ये कुरान
मोहम्मद 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 दरबारे रिसालत में चलते
लेते हैं कि मोहम्मद किसका नाम लेते हैं? दरमियान में अली
और खुल के बताओ, अल्लाह हाशिकुल वजूद रसूल मुमकिनुल वजूद। दरमियान में अली क्या मतलब है काल ने कहा, किसी को अगर अल्लाह को पहचानना हो तब भी पहले अली को पहचानना पड़ेगा, किसी को अगर रसूल अल्लाह को पहचानना हो तब भी पहले अली को पहचानना पड़ेगा। अब तो दरवाजे तक लोग बैठे हैं, जिन दिन की निगाह मेरे चेहरे से टकरा रही है उसकी आवाज मेरी आवाज से टकरानी चाहिए। अगर पाप पहुंच जाए पूरी ताकत से मैं कीजिएगा, पूरी ताकत से करूंगा, पूरी ताकत से जवाब दिया है। क्या क्या लगा डाल देते बातचीत और इंसान के दरमियान की लकीर, यानी जो अल्लाह को पहचाने वो भी अली तक जाए, जो नबी को पहचाने वो भी अली तक जाए। अगर जमीन के बैठ के किसी को समझ में मिसरा ना हो तो आसमान की बुलंदी पे चल के देखे बच्चे के उदा खुदा को बच्चे के उदा नबी को बता दे। आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं
किसी ने हमें पैसे दिए, बड़ा साहब के पास पहुंचा दे, हमें बता दो कि पहुंचा दिए, क्या करते हैं? कुरान उठा लेते हैं। मुझे नहीं पता है सुनने के बाद कैसा मैशर यहाँ पर रफा होने वाला है। हम कुरान उठा लेते कि नहीं उठा लेते? कुरान उठाने का मतलब क्या? हमने ये काम कर दिया, नबी को बताना था, नमाज पहुंचा दी, हज पहुंचा दिया, सकात पहुंचा दी, ईद के सारे काम पहुंचा दिए। आपके जज्बात को सलाम, अगर जुमला पूरा सुनिए, उसके बाद कोई ताकत से बताइए कि कहां तक जुमला पहुंचा। भाई नबी को बताना था, नमाज पहुंचा दी, हज पहुंचा दिया, रोजा पहुंचा दिया, सकात पहुंचा दी, इसीलिए नबी ने कदीर के मैदान में कुरान की जगह अमरीका था ही कहां तो कोलंबस ने ढूंढ लिया।
कुरान था ही कहां से अली ने कुरान पढ़ दिया था। तवज्जो पूरी ताकत को समय दीजिएगा, जो ग्वादर से अगले राउंड को हो जाए तो बता दीजिएगा। कई ये बात नहीं है कि कोलंबस ने अमरीका ढूंढा, अमरीका था ही कहां से ढूंढा, कोलंबस ने अमरीका ने ढूंढा, जो कोलंबस ने ढूंढा वो अमरीका बना। मुखातब बदला, तवज्जो बदली,
मजमून खुद बदल गया। अभी आपसे बात नहीं, इनसे बात हो रही है, फिर मेरी मजलिस आज शुरू हो गई। इस सनत को क्या कहते हैं? सनत इल्तिफात। तवज्जो दीजिएगा, मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए कहूं, शिया में नमाज पढ़ा करें, रोजा रखा करें, खून निकाला करें, आप मौलाना निशान को देख रहे हैं, न तो मैंने क्या देख रहे हैं, मुझे पता है कि खून निकालते हुए। इस सनद को क्या कहते हैं? सनद इल्तिफात। एक और मिसाल सुन लीजिए, दो बच्चे किसी के पास, एक बेटे को बाप डांट रहा है, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो और स्कूल में बदतमीजी करते हो, तुम्हारी शिकायतें मिलती रहती हैं। वो बच्चा दूसरे भाई को देखने लगे, बाप क्या कहता है, इसे क्या देख रहा है, इसकी सब तारीफ करते हैं, ये बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में, सारा मोहल्ला इसकी तारीफ करता है, पूरी तवज्जो बाप पहुंचाए, बहुत जाए तो मुझे मायूस न कीजिएगा अल्लाह के लिए। फिर कुरान में भी आयत तकदीर पेश करने में अल्लाह ने सनत इल्तिफात रखा है। बैठा है मिंबर पर चढ़ के गूंगा बोल रहा है,
ये सिफात का नतीजा निकला। बिल्कुल यही तेवर, यही अंदाज, यही तरीका, यही सलीका कूफे के दरबार में दिखाई दिया, यही सलीका शाम के दरबार में दिखाई दिया। तवज्जो, मिंबर पर बैठे हुए खतीब से जब इमाम सज्जाद ने कहा चुप हो, मिंबर से उतर जा, तवज्जो चुप हो, मिंबर से उतर जा, तारीख की निगाहों ने देखा, दरबार में उनका, दरबारी ने उनके तख्त में उनका, ताज में उनका, लोगों ने उनके और ने उनके सारे दरबार में देखा, खतीब चुप भी हो गया, मिंबर से उतर भी गया। इमाम सज्जाद ने अपने पापा की सुन्नत दोहरा दी। इमाम हुसैन ने भी किसी कभी किसी मिंबर पर बैठने वाले से यही कहा था, मेरे बाप के मिंबर से उतर, मेरे बाप के मिंबर से उतर। जानते हैं इमाम हुसैन का जुमला यहां खत्म नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने आगे फरमाया, मेरे बाप के मिंबर से उतर और जाके अपने बाप के मिंबर पर आए, ये पता लगाऊंगा कि कौन कौन इमाम
अगर मेरे बाबा हुसैन के नाना का नाम है तो मेरा बाबा हुसैन जी का। अजीजों, अल्लाह सबको सलामत रखे। जितने लोग शरीर लगे हैं दामे तिरने सुखने आके शिरकत कर पाकर, जितने भी लोग शरीर लगे हैं परवरदिगार सबकी अजमतों फजीलतों और इज्जतों की इजाफा फरमाए। इमाम सज्जाद के लिए रोने बैठे, मैं कुछ मनाजिर से गुजरता हुआ, हो सकता है कि थोड़ी देर लग जाए, लेकिन रोने ही के लिए सब जमा हुए हैं। बात समझती रहे तो खुल के रोते रहे। मैं मसायल पढ़ता जाऊंगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तरफ से पढ़ूं, जैसे मुझे बताया गया है मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं। इमाम सज्जाद के ताबूत की आपको ज्यारत करता हूं, इमाम सज्जाद की शहादत इमाम सज्जाद की सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, इमाम सैयद सज्जाद की बहुत सारी मुसीबतें हैं। बाबा से रुखसत होना, बाबा को खून आलू देखना, बाबा के नाशे के पास से गुजरना, सकीना को तमाचे लड़ते देखना, ये सारी मुसीबतें हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। जानते हैं सरदारों, मैंने दिन में भी तंगी सुनी थी, मैंने किया पर करबला सुनते हैं, करबला समझते हैं, करबला सोचते हैं। तो सबसे पहला फायदा करबला सुनने का ये होना चाहिए कि रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। कौन सा रिश्ता जो करबला ने नहीं बताया? बहन भाई का प्यार, कितना प्यार बहन भाई का। जनाब ज़ैनब की जब शादी की है मौलाए कायनात ने अब्दुल्ला से, मैं थोड़ा पीछे से शुरू हो रहा हूँ ताकि बहुत आसानी से आज तक मसाइल पहुँचा सकूँ। शादी जब की है तो अब्दुल्ला को बुलाया और बुला के कहा है, अब्दुल्ला दुनिया में बाप बेटे बहुत हैं मगर याकूब और यूसुफ जैसे बाप बेटे नहीं हैं। ऐसी दुनिया में बाप बेटी भी बहुत है मगर रसूल और फातिमा जैसे बाप बेटी नहीं है। अब्दुल्ला इसी तरह दुनिया में बहन भाई भी बहुत है मगर ज़ैनब और हुसैन जैसे बहन भाई नहीं है। अब्दुल्ला अगर कभी ऐसा हो तो हुसैन को मदीने से जाना पड़े और ज़ैनब तुम्हारे पास इजाजत लेने के लिए आए तो तुम मना मत करना ज़ैनब को जाने के, इसलिए कि अगर तुमने मना किया तो ज़ैनब रुक कर जाएगी मगर हुसैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इधर हुसैन का बदन मदीना छोड़ेगा, इधर ज़ैनब की रूह ज़ैनब का बदन छोड़ देगी। आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, अल्लाह की आवाज़ों पर हिम्मत नसीब करे। मैं बहुत तसल्ली से बहुत इत्मीनान से बगैर किसी जल्दबाजी के मसाइल पढ़ता रहूंगा, आप सुनते रहिएगा। इमाम सज्जाद तक हमें आना है, उनकी मुसीबत तक आना है। मैंने इसलिए वाकया अर्ज किया, इस वजह से शादी हो गई ना तो ज़ैनब की रुख्सत होके चली। हमारे यहाँ के रस्म में जब बेटियाँ रुख्सत होके जाती हैं तो कहीं एक दिन कहीं दो दिन के बाद घर वाले जाकर मिलने के लिए या लेने के लिए जाते हैं। अरब में भी रस्म थी, लेने के लिए बेटियों के घर जाया जाता था। मौलाए कायनात ने फिजा को भेजा, फिजा जाओ तुमने बच्चों को माँ की तरह पाला है, तो ज़ैनब से फिर भी आओ। फिजा पहुंची तो जनाब ज़ैनब मुसल्ला इरादा कर नमाज तमाम हुई, जैसे जनाब फिजा पे नजर पड़ी मालूम है जनाब ज़ैनब के बारे में क्या लिखते हैं मकाम के उलमा क्या बयान करते हैं। ज़ैनब चीख मार कर रोने लगी, फिजाने पर शहजादी इतना रोने की क्या जरूरत है, अब तो मैं आ ही गई हूँ ना। ज़ैनब का जवाब सुनिएगा और फिर मैं हाथ रख लीजिएगा, यहाँ से मसाए का आगाज हो जाएगा। ज़ैनब ने बदल के फिजा से कहा, अम्मा फिजा कैसे रहूँ, तीन दिन हो गए हैं मैंने अपने भैया हुसैन का चेहरा देख लिया। और कह रहा हूं अच्छा बहन ज़ैनब खुदा हाफिज़,
क्या हुआ होगा। जैनब ने गले में फाहे डाल दिए, हुसैन को अंदर लिया खेमे में। कोई बहन हाथों से लिपट के रो रही है, कोई बहन दामन से लिपट के रो रही है। इस मंजर में कहीं सकीना नहीं है। इसके सकीना को पता बहन भाई एक दूसरे से लिपट के रो रहे हैं, इस वक्त मुझे कौन देखेगा। सकीना ने सोचा कि हुसैन कभी भी जाएंगे, बाबा कभी भी जाएंगे, खेमे के दरवाजे को होके जाएंगे। सकीना खेमे के दरवाजे पे आगे खड़ी हो गई। हुसैन निकले, घोड़े पे सवार हुए। नन्ही सी सकीना, 4 साल की बच्ची, सोच सकते हैं कितना बड़ा अलग होगा सकीना का। हुसैन घोड़े पे सवार है, हाथों को जोड़ा और एक जुमला अर्ज किया, बाबा जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं। कहां बेटा जा रहा है? कहा बाबा जब जा रहे हैं तो मेरा काम कर दीजिए। कहा बताओ क्या काम करना है? कहा बाबा अगर जा रहे हैं तो जाते जाते मेरे सर पे ऐसे हाथ रख दीजिए जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। सकीना को पता था कि जब किसी का बाप मर जाता है तो बच्चा यतीम हो जाता है, जब बच्चा यतीम हो जाता है तो उसके सर पे दस्त शब्द रखा जाता है। यही वजह है कि हमें इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने एक बच्ची को देखा, बच्ची जिसके दामन में आग लगी हुई थी, वो बच्ची एक तरफ दौड़े जा रही थी। मैंने उस बच्चे को रोकर रोक पूछा, बेटा तुम किसकी बेटी हो? उस बच्ची ने अदर सवाल किया, ऐ शेर अगर मैं तुझे बता दूं कि मैं किसकी बेटी हूं तो तू मेरे नुकसान तमाचे तो नहीं मारेगा? हमें मुस्लिम कहता है कि मैं क्यों तमाचे मार रहा। सकीना अदर से कहती है, शेर मेरा बाबा मुझसे कहता था जब किसी का बाप मर जाता है तो बच्चा यतीम हो जाता है, जब बच्चा यतीम हो जाता है तो उसके सर पर दस्ते शफ़त रखा जाता है। अल्लाह जाने मैं कैसे यतीम हुई हूँ, जब से मेरा बाबा मरा है जो भी मुझे मिल रहा है वो साथ में तमाचे मार रहा है। बहुत आराम से सुकून से सुनते रहे। इमाम सज्जाद की बात हो रही थी ना, इमाम सज्जाद आंखों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां गले से कामार को पहन के चले होंगे। सैनब ने जब बताया होगा सज्जाद को कि अकबर के सीने में पक्षी लगी है, सज्जाद का क्या आलम हुआ होगा सुन के। इमाम सज्जाद जब उस जगह से गुजरे होंगे जहां बाबा का जनाजा पड़ा होगा और जनाजा भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुसैन कहां कहां है, हुसैन कहां कहां बिखर चुके हैं, हुसैन के बदन के टुकड़े कहां कहां हैं। सज्जाद ने क्या गुजरी होगी, सज्जाद ने क्या क्या पहन लिए होंगे। हजरानों को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अपना शरीर इन शैता पाक अला शरीर फअब के अला कत्री अल हुसैन। ऐ शरीर के बेटे जब तेरा दिल करे तो किसी से रोना चाहे तो तुम मेरे जब हुसैन पर रो लिया कर, इसलिए फइन्नहु सुबहा कमा यसबहु नफ्स। मेरे जब हुसैन को ऐसे सिबा किया गया जैसे भेड़ को सिबा किया जाता है। मालूम है भेड़ से मिसाल क्यों दी थी? समाने जाहिलियत में जब किसी को कुर्बानी देनी होती थी तो 8-10 लोग मिलकर भेड़ को खरीद लिया करते थे। जो लोग भेड़ को खरीदा करते थे जब आ जाता था कुर्बानी के वक्त तो भेड़ को दरमियान में खड़ा किया जाते थे, चारों तरफ जमा हो जाते थे, जिसके पास जो कुछ होता उसके जरिए से भेड़ को मारने लगता। छठी नाम नहीं बता रहे थे मेरा जब हुसैन को कैसे से मार दिया गया, घोड़े पे मेरे जब हुसैन सवार है, चारों तरफ लश्कर शाम है, जिसके हाथ में जो कुछ है वो उससे मेरे जब हुसैन को मार रहा है, कोई नेजे से मार रहा है, कोई तलवार से मार रहा है, कोई पत्थर से मार रहा है। अल्लाह क्या हो रहा है बता सकते हैं? बड़े अजीब मंजिल तक लेके चलना है, मसायब की बुलंदी तक लेके चलना है, कोई मां सज्जाद तक फिर हमें लौट के चले आना है। मालूम है मकातिब क्या बयान करते हैं? इमाम हुसैन मकबर की तरफ जा रहे थे और अपनी सवारी पे डगमगा रहे थे, इतने जख्म बदन पे हुसैन के, हुसैन को किसी एक तरफ गिर जाना ना मिलेगा। हुसैन डगमगा कर रहे थे लेकिन मकबर ने आगे लिखा, हुसैन गिरना ही चाह रहे थे, दाहिनी तरफ गिरना चाहते तो दाहिनी तरफ के साली खा ले, हुसैन की पसलियों में डाल दे, हुसैन बाएं तरफ गिरना चाहते बाएं तरफ के साली खा ले, हुसैन की पसलियों में डाल दे। गिर गए हुसैन, अब अपना नहीं खड़ा तो
जिसका नाम सनान इब्ने अनस तारीख में लिखा है, उसके हाथ में खंजर, किसी को नहीं पता वो खंजर से क्या करने वाला है। शिवन का खंजर गले में चल नहीं लगा रहा था, नंबर कहता है तो उसने शिवन को पीछे धकेला, आगे बढ़ा और अपना खंजर हुसैन के गले में ऐसे उतार दिया जैसे अकबर के गले में अकबर के सीने में खंजर। मौला मौला